सो हाई गाइज, कैसे हैं आप सभी। मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एक आर्ट जर्नी में आप किस तरीके से एक अर्निंग कर सकते हो। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस बोर्ड पे भी बताऊंगा। तो आप लोग फर्स्ट, सबसे पहले आप अर्निंग का कौन कौन सा तरीका होता है कि आप किस तरीके से, अगर आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो अपने लाइफ में, तो आप किस मेथड से आप अर्न कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो बस वही होने वाला है कि आप किस तरीके से आप एक अर्निंग का एक सोर्स बना सकते हो अपने, अगर आप 20s के हो और अपने एक आर्ट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप बिगिनर्स हो तो बिगिनर्स के लिए तो अभी से एक अर्निंग का स्कोप तो नहीं बन जाएगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, लोगों को कमीशन वर्क लेना होगा। कमीशन वर्क भी अगर आप पोर्ट्रेट अच्छे से बना पाते हैं, स्किल्स आपका डेवलप है, तभी आप एक अच्छे पोर्ट्रेट भी बना पाएंगे। और अगर आपको कमीशन वर्क मिलता है तो आप का स्किल्स अच्छा होगा तो लोग खुद पैसे आपको देंगे। मैं इसी चीज़ के बारे में बात करूँगा आज कि आप किस किस मेथड से आप एक अच्छा इनकम कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आपका स्किल्स डेवलप है, तो आप किस किस मेथड से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है कमीशन वर्क। कमीशन वर्क से आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। मैंने बहुत सारा देखा है कि लोग कमीशन वर्क लेते हैं, 1000, 2000 का, 5000 का लेते हैं कमीशन वर्क। लेकिन सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड, कि आपका स्किल्स अच्छा होना चाहिए, स्किल्स डेवलप होना चाहिए। आप जो पोर्ट्रेट आपको बनाने के लिए मिल रहा है वो आप अच्छे से बना सको, उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सको, तभी आप एक अच्छा पोर्ट्रेट भी बना पाएंगे और अच्छा अच्छा कमीशन वर्क भी आपको मिलेगा। सेकेंड है फ्रेंड कि आप अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हो, ठीक है। ये एक अच्छा अर्निंग का सोर्स है। अगर आप वीडियोस डालते हो, जो आप आर्ट वर्क बनाते हो उसका वीडियोस डालते हो, तो आप एक एडसेंस से पैसा कमा सकते हो। तो इसके लिए आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो और एडसेंस से पैसा कमा सकते हो, ठीक है। अगर आपका मोनेटाइजेशन कम्प्लीट हो जाएगा तो आप अर्निंग भी स्टार्ट करोगे, अपने पैशन को फॉलो करते हुए आप अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो, साथ में कमीशन वर्क भी ले सकते हो। थर्ड मैं बात करता हूँ, आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो उसका एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग वो होता है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो उस प्रोडक्ट का अगर आप अमेज़ॉन से एज एन एफिलिएट ले लेते हैं, ठीक है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट्स का जो लिंक है, एक शॉर्ट लिंक बनाइए और उस लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लगा दीजिए। अगर कोई भी व्यूअर्स आपके उस लिंक से जाकर अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट्स को परचेज़ करता है तो आप उसका कुछ कमीशन आपको भी दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, आपको भी दिया जाएगा। तो इससे भी एक अच्छा अर्निंग का सोर्स बना सकते हैं आप। फोर्थ मैं बता देता हूँ कि अगर आप YouTube चैनल्स हैं तो इन फ्यूचर, अभी तो नहीं स्टार्ट हो सकता है, लेकिन इन फ्यूचर आपको स्पॉन्सरशिप भी दिया जाएगा, तो आप स्पॉन्सरशिप से भी पैसा कमा सकते हैं। एज एन आर्टिस्ट आप एक अच्छा स्पॉन्सरशिप भी मिलता है तो आप उससे भी पैसा कमा सकते हैं। फिफ्थ मैं बात करता हूँ कि आप अपना एक एकेडमी ओपन कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छा आर्टिस्ट हैं और अब और लोगों को सिखाना चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हो और लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को स्किल्स देना चाहते हैं, तो आप खुद का एकेडमी खोल सकते हैं और उससे भी अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। तो एकेडमी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ फ्रेंड कि आप अगर अच्छा अच्छा पोर्ट्रेट बनाते हैं, अच्छा पेंटिंग करते हैं, तो आप वर्कशॉप में जाकर आप अपने पेंटिंग को सेल भी कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, आप अपने पेंटिंग को सेल करके वहाँ से कुछ अर्निंग कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको ज़रूरी बात है कि अगर आपको कमीशन वर्क करना है तो आप उसके लिए आपको अपना सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। सोशल मीडिया पर आपको अच्छे अच्छे पोस्ट क्रिएट करना होगा, अच्छे अच्छे पोस्ट करना होगा, तभी आपका एक एंगेजमेंट बढ़ेगा लोगों के साथ और आप अच्छे से अर्निंग कर पाएंगे। तो इसी कोई यही सब तरीका है फ्रेंड कि आप अच्छे से एज एन आर्टिस्ट आप एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो बस आप लोगों को यही बताना था कि आप अगर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपका अर्निंग का स्कोप बहुत ही अच्छा है। इन फ्यूचर अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए, लर्निंग पे फोकस ज़्यादा कीजिए, तभी आप एक अर्निंग को बढ़ा सकते हैं।
तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जो जो इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए, गुड बाय, वंदे मातरम।